हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ और साथ ही ब्यूटी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, जो आपके बेहद ही काम आने वाले हैं, जो आपके पैसे और मेहनत दोनों को बचाएंगे और साथ ही साथ आपके समय को भी बचाएंगे, जिसे आप अपने परिवार को भी कुछ समय दे सकें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। दोस्तों, बच्चों के पास इस तरह की काफ़ी ढेर सारी पेन होती है जो कहीं से टूटी हुई होती है या फिर किसी की रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो उसे वे फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत ही काम आने वाली है। इसके जो ऊपर का कैप है ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए हम पेन को फेंकने से पहले इसके कैप को निकाल लेंगे। ये कैप हमारे बहुत ही काम आने वाला है। इसका मैं दो प्रयोग आपको बताऊंगी कि ये हमारे किस किस काम आने वाला है। पहले हम ले लेंगे डबल साइडेड टेप और इस टेप को हम इस कैप पर लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसे लगा देना है। मैं दो कैप पर इसे लगा कर आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे किस काम आने वाला है। देखिए, इसे मैंने लगा दिया है। अब जो इसके ऊपर का स्टिकर है उसे हम निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से इसे हमें निकाल देना है। अब इसे हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हमें दीवार पर लगा देना है। देखिए, इस तरह से इसे हमें दीवार पर लगा देना है। अब जो हमारे घर में की रिंग है उसे हम इस पर लगा सकते हैं। जो की रिंग इधर उधर हमारी फेंकी रहती है उसे हम इस पर लटका देंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। अगर आप की रिंग इस पर नहीं टांगना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी ज्वेलरी भी टांग सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो पहनना सभी को बहुत पसंद होता है, तो हम इस पर उसे टांग देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। देखिए, ये कितनी आसानी से हैंग हो गया है और ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। अब इसका दूसरा प्रयोग हम क्लोथ पिन के रूप में लेंगे। जब हमारे पास क्लोथ पिन नहीं होता है या फिर कम पड़ जाता है तो हम उसकी जगह इसे लगा सकते हैं। ये कैप क्लोथ पिन की ही तरह काम करता है। आप इसे साइड में भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें कपड़े पर लगा देना है। कभी कभी कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि क्लॉथ पिन कम पड़ जाता है तो उसकी जगह हम इसे लगा सकते हैं और साइड में भी इसे हम लगा सकते हैं, जिससे कपड़े ना उड़े। इससे लगाने से कपड़े नहीं उड़ते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, जब हम रोटी बना लेते हैं तो चकले बेलन को हम रात में धुलकर ऐसे ही रख देते हैं और सुबह पोंछकर हम फिर इस पर रोटी बनाने लगते हैं, जबकि ये रात भर में काफ़ी अनहाइजेनिक हो जाता है क्योंकि छिपकली और कॉकरोच इस पर मुंह मारते हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी अनहाइजेनिक हो जाता है। चकले बेलन को धुलने के बाद पहले आप इसे सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, जिससे ये सूख जाए। मेरा तो चकला पत्थर का है, मगर बहुत लोगों का चकला लकड़ी का होता है तो उसकी वजह से उसमें फंगस आ जाते हैं, तो इसे पहले अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। उसके बाद एक पॉलिथीन लीजिए, जो पॉलिथीन हमें सब्जी या किसी ग्रॉसरी के दुकानों पर मिल जाता है, उसमें आप इस चकले बेलन को डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से बांध दीजिए और इसे रात भर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसके ऊपर ना तो छिपकली आएगी, ना तो कॉकरोच या फिर कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकौड़े अब इस पर नहीं आएंगे। आप चाहे तो सुबह इसे बिना धुले ही बना सकते हैं। अब आप सुबह इसे निकालिए और पोंछिए और आप तुरंत ही इस पर रोटी बना सकते हैं। ये बिल्कुल साफ़ रहता है। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं दूसरी यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों, पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इस पर हम तवा रख देंगे। तवे को रखने के बाद इसमें हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि तवे पर हम बर्फ़ के टुकड़े क्यों डाल रहे हैं, तो मैं अभी बताती हूँ कि हम तवे पर बर्फ़ के टुकड़े क्यों डाल रहे हैं। तवे पर बर्फ़ के टुकड़े डालने के बाद इसमें हम दूध डाल देंगे। आप इसमें कच्चा दूध या उबला हुआ दूध, कोई भी दूध इसमें आप ले सकती हैं। आप सोच रहे होंगे, जब दूध ही डालना था तो हमने बर्फ़ क्यों डाला। बर्फ़ हमने इसलिए डाला कि दूध अगर हम गर्म तवे पर डायरेक्ट डाल देंगे तो दूध जल जाएगा और इधर उधर छिटकने लगेगा। जब हम बर्फ़ में दूध डालते हैं तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और दूध अच्छी तरह से उबलता है। अब इसमें हम आधा चम्मच
हल्दी पाउडर डाल देंगे। मैंने छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे, वरना दूध जल जाएगा, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है और इसे हमें आधा कर लेना है। देखिए दूध उबलने लगा है और इसे हम लगातार चलाते हुए आधा कर लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी टिप्स है जिसे आप ठंड में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रंगत कितनी निखर आई है और जो आपका ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए दूध पकते पकते आधा हो गया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। दोस्तों दूध हमारे लिए मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और हल्दी हमारी रंगत को बढ़ाता है। दूध जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे जिससे ये हमारा रेमेडी बनकर तैयार होगा। इसे पहले पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए। देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरे पास फ्रेश एलोवेरा था तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले आप इसे किनारे किनारे से काट लीजिए। अब इसके जो बीज का छिलका है इसे आप उतार लीजिए। मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से अगर आप एलोवेरा निकालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। देखिए चाकू की मदद से हमें इस तरह से इस एलोवेरा जेल को निकालना है। अगर आप एलोवेरा जेल को इस तरह से निकालेंगे तो देखिए कितनी अच्छी तरह से एलोवेरा जेल निकल रहा है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं निकल रही हैं। अब इसमें हमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। एलोवेरा हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये हमारे शरीर को मुलायम और चमकदार करता है। दोस्तों एलोवेरा डालने के बाद अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे हमारा ये रेमेडी बनकर तैयार होगा। उसके लिए हम लेंगे बेसन। इसके लिए हम एक चम्मच बेसन लेंगे। बेसन हमारे शरीर को स्क्रब करने में काफ़ी मदद करता है, इसके लिए हम इसमें एक चम्मच बेसन लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों ठंड का समय आ रहा है, अब हमारे हाथों में ड्राइनेस आने लगती है और हमारे हाथ में काले काले धब्बे भी पड़ने लगते हैं। हमारे चेहरे हाथों सभी पर ड्राइनेस आ जाती है और काले काले धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। उसके लिए ये रेमेडी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें और बाहरी कोई चीज़ भी नहीं मिला हुआ है, सारी चीज़ें घर की मिली हुई हैं और सभी चीज़ें प्राकृतिक हैं, इसलिए ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और बर्तन मांजते मांजते भी हमारे हाथों में काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है, उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। मैं इसे अपने हाथों पर लगाकर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि इससे लगाने के बाद तुरंत ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आप इसे जहाँ जहाँ पर भी काला हिस्सा है, जैसे गर्दन पर, कोहनी पर, जहाँ भी काला हिस्सा है वहाँ पर आप इसे लगा लीजिए। आप देखेंगी कि ये कितना जल्दी साफ़ हो जाता है। इसे लगाने के बाद आपको थोड़ी देर तक इसे मलना है जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब इसे हमें हाथों से रगड़ रगड़ कर छुड़ाना है। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक छोड़ना नहीं है। इसे लगातार लगाते हुए इसे हमें सुखा लेना है। देखिए जैसे मैं सुखा रही हूँ इस तरह से इसे आपको सुखा लेना है और जब ये सूख जाएगा तो इसे आपको हाथ से रगड़ कर छुड़ा लेना है। देखिए ये सूख गया है, अब इसे हमें हाथ से रगड़ कर छुड़ा लेना है। इस रेमेडी को आप फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे। अब तो ठंड का समय भी आ रहा है तो ड्राइनेस हमारे हाथों चेहरों पर बहुत ज़्यादा होने लगती है और काले धब्बे भी हमारे चेहरे और हाथों पे पड़ने लगते हैं, तो उसके लिए ये रेमेडी काफ़ी फ़ायदेमंद है और सारी चीज़ें घर की ही बनी हुई हैं, इसलिए ये नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अब इसे आप नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। इसके लिए आपको गर्म पानी या ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। अब आप निखार देखेंगे कि एक ही दिन में हाथों में कितना निखार आ गया है, तो आप सोचिए कि जब आप इसे डेली लगाएंगे तो आपके चेहरे और हाथों पे कितना निखार आ जाएगा और जो आपका ड्राइनेस है और कालापन है सब दूर हो जाएगा। देखिए हाथों पे कितनी चमक आ गई है
और काफ़ी मुलायम भी हाथ हो गया है। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।